गाइस बिहार में सबसे बड़ा काली माँ की प्रतिमा यहाँ बनाई जाती है। गाइस इस काली माँ की जो जीभ की लंबाई है 42 इंच। बिहार के भागलपुर के नाथनगर के बबलपुर गांव में बनाया जा रहा बिहार का सबसे बड़े काली माँ का प्रतिमा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। गाइस फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत है। गाइस फिलहाल हम बिहार के भागलपुर जिला के नाथनगर रेलवे स्टेशन के पास हैं। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, ये नाथनगर रेलवे स्टेशन है। हाँ गाइज, आज के इस ब्लॉग में आपको नाथनगर के एक बबलपुर गांव का काली माँ का प्रतिमा दिखाने वाले हैं। हाँ गाइज, काली माँ का प्रतिमा दिखाने वाले हैं, जो कि बिहार में सबसे बड़ा काली माँ का प्रतिमा इसी नाथनगर रेलवे स्टेशन के बबलपुर गांव में बनाया जाता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको वहाँ का प्रतिमा दिखाएंगे और आप वहाँ तक कैसे इस बार काली पूजा में माता रानी का दर्शन कैसे आप करिएगा, तो आपको सभी चीज़ें बताएंगे और वहाँ तक ले जाएंगे भी। तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये रहा आपका नाथनगर रेलवे स्टेशन, ये आपका नज़ारा है जैसा कि आप देख रहे हैं। नाथनगर रेलवे स्टेशन है और आपको जो जाना है मंदिर की ओर यही रास्ता गया है। तो चलिए इस रास्ता से हम चलते हैं। आप इस मेला में दर्शन करने के लिए माता रानी का अगर आप आना चाहते हैं तो नाथनगर रेलवे स्टेशन उतरना होगा और आपको यही रास्ता से होते हुए ये रास्ता सीधे लगभग 10 मिनट पैदल यात्रा आपको करना पड़ेगा। तो आप मंदिर के प्रांगण तक आप आसानी से पहुँच जाइए। गाइज नाथनगर के बबलपुर गाँव के मंदिर के करीब लगभग पहुँच चुके हैं और जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, झूला मेला का झूला यहाँ पर लगना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर मेला का जोर शोर से तैयारी होना स्टार्ट हो गया है। तो यानी कि आपको गाइज 28 से 29 तारीख तक में पूरा कार्य यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप इस मेला का दर्शन करने के लिए, मेला का घूमने के लिए और माता रानी के दर्शन के लिए आप इस मंदिर में आ सकते हैं। तो फाइनली गाइज नाथनगर के बबलपुर गाँव के काली मंदिर के प्रांगण के पास पहुँच चुके हैं और जैसा कि गाइज आप पीछे देख रहे हैं, यही रास्ता गया है मंदिर के प्रांगण की ओर। तो गाइज हम चलिए चलते हैं। सबसे पहले गाइज आपको मंदिर के बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। तो जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, यही है बबलपुर काली मंदिर का प्रांगण का नज़ारा। जैसे ही आप अंदर चलने के लिए यहाँ पर आइएगा तो सबसे पहले आपको हनुमान जी का मंदिर देखेगा। तो जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, महावीर स्वामी जी का पहले दर्शन कर लीजिए, उसके बाद आपको काली माँ का प्रतिमा का भी दर्शन कराएंगे। तो ये आप नज़ारा देख रहे हैं और अभी यहाँ पर कार्य तेज़ी से हो रहा है। लगभग यहाँ पर 28 तारीख तक यहाँ पर पूरा कार्य हो जाएगा और ये आपका नज़ारा रहा। और गाइज यही आपका मंदिर का मुख्य अंदर जाने का रास्ता है। जैसा कि गाइज आप देख रहे हैं, यही है मुख्य गेट काली मंदिर में जाने का। तो चलिए हम चलते हैं। जैसा कि गाइज आप देख रहे हैं, मंदिर के प्रांगण में पहुंच कर ये पूजा स्थल है और यहाँ पर तेज़ी से कार्य हो रहा है। और यहाँ पर फाइनली गाइज हम मंदिर के प्रांगण में पहुंच गए हैं और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, काली माँ का प्रतिमा बहुत ही विशाल बनाया जा रहा है। गाइज आपको बता दें कि इस बार भागलपुर के नाथनगर नगर के बबलपुर में इस बार बिहार का सबसे बड़ा काली माँ का प्रतिमा बनाया जा रहा है और यहाँ पर कार्य तेज़ी से हो रहा है। आपको बता दें कि 28 तारीख तक ये मंदिर काली माता जी का प्रतिमा बनकर तैयार हो जाएगा और आप दर्शन करने के लिए यहाँ पर काली पूजा में आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं और यहाँ के बारे में बताते हैं। तो गाइस इस वीडियो में आप बने रहिए। काली माँ के मंदिर के प्रांगण में हम आ चुके हैं। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, यही है काली माँ का प्रतिमा। हाँ गाइज, यही है काली माँ का प्रतिमा जो कि इस बार भागलपुर जिला के नाथनगर के बबलपुर गांव में बनाया जा रहा है। और गाइज आपको बता दें कि ये जो काली माँ का प्रतिमा है, बिहार का सबसे बड़ा प्रतिमा है, जो कि इसकी ऊँचाई की अगर बात करें तो 32 फीट का ये मूर्ति है, यानी कि माँ का प्रतिमा है, तो जो कि बहुत ही विशाल है। और यहाँ पर माता रानी का दर्शन करने के लिए गाइज आपको बता दें कि काली पूजा में लाखों श्रद्धालु भक्त यहाँ पर आते हैं। तो गाइज आपको बता दें कि जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, ये काली माँ का प्रतिमा है और यहाँ पर जोरों शोरों से कार्य चल रहा है। हमारे कारीगर बहुत ही मेहनत के साथ यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, जो कि कुछ ही दिनों में, यानी कि 28 से 29 तारीख तक में माँ जी का प्रतिमा पूरा बनकर रेडी हो जाएगा। फिर आप दर्शन करने के लिए, माता रानी का दर्शन करने के लिए आप यहाँ पर दीपावली के दिन या इसके एक दिन बाद आप यहाँ पर आ सकते हैं। गाइज आपको बता दें कि 1 नवंबर को आप काली माँ जी का दर्शन करने के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं। माता रानी का दरबार 1 नवंबर को सज धज कर तैयार हो जाएगा। और गाइज आपको बता दें कि यहाँ का जो विसर्जन होता है, काफ़ी बहुत ही विशाल होता है और यहाँ का काफ़ी श्रद्धालु भक्त यहाँ पर इस विसर्जन में, काली माँ का विसर्जन में
बिहार से अनेक के जिलों से दर्शन करने के लिए और विसर्जन करने के देखने के लिए यहाँ पर काली माँ का लोग यहाँ पर आते हैं। और गाइज आपको बता दें कि इस काली माँ का दर्शन करने के लिए अगर आप आना चाहते हैं तो आपको नाथनगर रेलवे स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के बाद आप यहाँ पहुँच सकते हैं। तो चलिए गाइज आज वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में।